शिव जी है, इसकी अर्थ मेरा सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है और मैं सर यही मेरा आइडियोलॉजी है और उसमें कोई विषय में ये किसी की किचन तो अध्यक्ष जी इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला नहीं, देश के लिए मिले हैं। देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो, देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारे भाई आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है, हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लाल जी वर्मा साहब, हाँ बोलिए। ओबीसी जी लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर हम घूमते नहीं तो सदन है। अध्यक्ष जी अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर मैं आज बड़े जिम्मेवारी के साथ लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते हैं, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी कुछ विषय को सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने उच्च क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं, नीतिगत बात यह है, मैं सदन के सामने सभी सदस्यों कहना चाहता हूं, सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं कि भाई गिनाते हैं एससी की पोस्ट इतने खाली है, एसटी की पोस्ट इतने खाली है, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली।